हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, खैरियत, मज़े में? तो जी हाँ गाइस, इस हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने, और आपको पीछे तीन पंटर लोग दिखा दूँ मैं आपको। तो तीन पंटर लोग, एक गिरा, दो और ये तीन, और सबसे ज़्यादा लेट करवाया है मुझे जिसने, वो है ये। ठीक है, मतलब इसको, इसने मेरे को डेडलाइन दिया, पता है क्या, कि मूवी देखने जा रहे हैं, 6:55 का शो बुक हो रहा था, पर उस टाइम कन्फर्म नहीं था कि कितने बजे का शो बुक हो रहा है या क्या सीन है। इसने मुझे बोला, बोले भाई प्लीज़ मुझे है ना एक घंटे पहले मुझे बता देना कि कौन सा शो आप बुक कर रहे हो वगैरह। तो मैंने बोला ऐसा क्यों? तो बोले मुझे तैयार होना है। मैंने बोला मैं 2 मिनट के लिए मैं ना वो शौक में चला गया था, मेरे को बाहर लाने के लिए ना मुझे पानी पीना पड़ता है ऐसा बोलने के बाद में। तो लेट इसकी वजह से हुए हैं। और फिलहाल अगर आपको मैं टाइम बताऊँ तो फिलहाल टाइम हो रहा है 6:33 और शो है 6:55 का, और यहाँ से फिलहाल 10 से 15 मिनट लगेगा अल्फा वन जाने में अहमदाबाद में। और आप सबको पता है जैसे मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ अहमदाबाद में, तो वैसा कुछ है। तो गाइस हम जा रहे हैं 83 देखने। सुना है काफ़ी सही रिव्यूज़ है, काफ़ी सही मूवी है, तो मैं चलो देखते हैं। और हम देख रहे हैं 3D में, क्योंकि 2D में सीट्स नहीं थी। सही बात ऐसा नहीं था कि टिकट में फेर था, सीट्स ही नहीं थी। ठीक है, तो वैसा है। तो मैंने, और अहमदाबाद में क्या पता नहीं बोल रहे, बोले कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो मैंने लगा ये थिएटर वापस बंद हो उससे पहले 83 तो थिएटर में देखनी है। और फिलहाल ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा है देखो। ठीक है, तो अभी देख सकते हो कितना ये, मतलब मूविंग ट्रैफिक है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम एक जगह पे है, मूविंग ट्रैफिक है, तो वैसा कुछ है। तो अभी फ़िलहाल गए हम हैं ये गुरुद्वारा सर्कल है, थलतेज और पकवान के बीच में है, तो वहाँ से हम कटेंगे सीधा राइट में और वहाँ स्ट्रेट अल्फा वन मॉल। तो फटाफट अल्फा वन मॉल चलते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं कि कितनी देर में पहुँचते हैं हम वहाँ पर। मॉल के अंदर, और दिव्यांश को न्यू बैलेंस के शूज़ देने हैं, जो कि यहाँ पे नया स्टोर खुला है और मेरा फेवरेट है न्यू बैलेंस। तो किसी को कोई गिफ्ट दे रहा हूँ तो न्यू बैलेंस दे सकता हूँ मेरे को। समझ रहे हो आप? ठीक है, तो वैसा कुछ है। तो अभी हम लोग है गाइज जा रहे हैं सिनेपोलिस, और सिनेपोलिस क्यों? क्योंकि सिनेपोलिस जैसा कोई थिएटर है नहीं, PVR दूसरा, पर PVR में सीट्स थे नहीं, तो उस वजह से काम कर जल्दी करो फुर्ती से। ठीक है, मेरी अगर मुकेश की लव स्टोरी ख़त्म हुई तुम्हारे तुम्हारे कारण, तो तुमको कूट दूंगा दोनों को। ठीक है, क्या है, क्या डिमांड है, बोल डिमांड क्या है, डिमांड बता सीधा, भाई मत बोल, डिमांड बता डिमांड। तो एक्सिस बैंक का कार्ड है मेरे पास में, डोंट वरी, प्रायोरिटी मेंबर एक्सिस का मैं। एक्सिस का बैंक बैंक के पीछे शकल देखे बैंक की, नामीबिया की जर्सी ना दे, ऑस्ट्रेलिया की चाहिए। तो ऐसा कुछ है, फटाफट भाग रहे, ओके ले जाना, ओके मत जाओ, हम लोग चलेंगे ऊपर, जल्दी चलो मूर्खो। तो ऐसा कुछ है, 83 के लिए टाइम बचा है केवल 10 मिनट, नहीं 10 भी नहीं, 5 मिनट बाकी है, 5 मिनट में पहुंचना है ऊपर। और दूसरी मूवी है लॉकडाउन के बाद में थिएटर्स में। अरे बेशर्मो, लीदो लिफ्ट के लिए खड़े थे, हैं लिफ्ट के लिए खड़े दो लीद, शर्म है, शर्म नाम की चीज़ है दोनों में। नहीं मैं तो एस्केलेटर से जाऊंगा, ठीक है, भाग मत, ओए आप पकड़े गए हो खुशी देसाई, आप चीटिंग करते हो पकड़े गए हो। ये शकल मत चुराओ, तुम पकड़े गए हो, तुम लीड हो, आज साबित हो गया है। तो गाइस इस बात पे मैं आपको इसका इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, लेट कर दो जाके, ठीक है। और ये भी तो मेरे साथ में था, ये लीड दूसरा, ये दूसरा लीड है, ओए इधर था, ए इधर था, ए इधर आ, इधर क्यों जा रहे थे लिफ्ट से, टांग में जोर नहीं है, जोर है कि नहीं टांग में, ये बता, नहीं है एज एक्सपेक्टेड,
ठीक है लीड। हम लोग ये मूवी देखने जा रहे हैं, ठीक है। ये सीन दिखेगा आपको, पर मूवी इसमें नहीं दिखेगा, ये आपको दिखेगा मेरे इंस्टाग्राम में। तो इस सिनेपोलिस आ गए हम लोग, लेट्स गो इनसाइड। और इसकी टिकट नहीं है। ओ भाई चल बाहर बाहर चल ना भाई ना, हम ना देते तेरे को एंट्री। तो गाइस अभी एक स्कैम हो रहा था मस्त, ठीक है। मैंने बोला इसको, इनको मैंने ऑफर दिया कि भाई 330 का चीज़ का लास्ट कब है वो ले लेते हैं, ठीक है। तो ये लोग सब ना बोले नहीं अभी नहीं लेना, अभी लेना, अभी लेना, ठीक है, इंटरवल में लेते हैं। तो मैंने इनको बोला, बोले कि चलो सही है, इंटरवल में लोगे तो बाहर कम खर्चा कराओगे मुझसे। पता नहीं मैं किस बात का मुर्गा बनाऊँ, मैं भी बड़ा हूँ इसीलिए मुर्गा बन गया हूँ इनका। ऑफर टिकट का पैसा तो दे दी मेरे को, क्या हटो मिलेगा मेरे को, मैं मारूंगा तेरे को। देख लो भाई क्या देख रही है, लालची औरत, लालची लालची लड़की है, लालची लड़की देख रहे हो ना आप, किस तरह से ताड़ रही है। मतलब मेरे को चाहिए, मतलब मेरा खर्चा करवा के मानेगी ये लड़की, ठीक है। मैंने इनको ऑफर दिया बैकडोर खाएंगे, नहीं इनको पॉपकॉर्न पहन ले मूवी से पहले, पहन लो क्या तेरा, क्या बोला तूने। अबे आलू घर पे आके चुपचाप मैगी बना के दे दूंगा, खा लेना। मैगी भी सही है मेरे को, हैं मैगी भी सही है पक्का। क्या क्या लेना है, क्या लेना है इधर बोल, लॉन्च बोल क्या हम ना, क्या क्या लेना है बताना, बोलना। अरे बोलना यार, ऐसा मत कर। अल्ट्रा लार्ज, अल्ट्रा लार्ज पॉपकॉर्न बेस्ट है, 330 में निपट जाएंगे सबके सब। चलो चलो ले लेते ले लेते। तो गाइस ये लोग नहीं माने, ठीक है, पॉपकॉर्न इनको खाना है तो ये लोग खा के रहेंगे, अब मना भी नहीं कर सकता इनको क्या। तो वैसे कुछ है तो फिलहाल मैं आ गया हूँ बाहर, और पॉपकॉर्न लेने इंटरवल हुआ है और लाइन काफ़ी थी, 10 मिनट से खड़ा हूँ यहाँ पे, 10 मिनट से खड़ा हूँ यहाँ पे। और चलो चलो शूट कर लेते ब्लॉग वगैरह। बस फिलहाल अभी तक इंटरवल तक मूवी माइंड ब्लोइंग है, ठीक है। एक एक पल, एक एक इवेंट उन्होंने इस तरह से कबीर खान जी ने रिक्रिएट किया है ना, कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। बहुत ही सही मूवी है, मतलब एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता यार आप लोग मूवी देखो। और इसी मैंने एक रीज़न जैसे मैंने मूवी कहीं भी बीच में क्लिप नहीं डाली है, क्यों, क्योंकि आप लोगों को अगर मैं क्या बोलते हैं डाल दूंगा तो वो स्पॉइलर हो जाएगा एक तरह से। इसीलिए मास्क सिर्फ आपसे बात करने के लिए उतारा है, मैं अभी याद आया कि मास्क उतारना जरूरी है, बात करते हो पूरा ब्लॉग थक याद नहीं ना मेरे को, तो वैसा था। तो फिलहाल लेते हैं पॉपकॉर्न, अंदर जाते हैं और मैं आपको मिलूँगा मूवी के एंड में, मूवी खत्म होगी और फिर हम लोग कहाँ जाते हैं वगैरह, वैसा कुछ प्लान, ठीक है। और क्योंकि मूवी का असली रिव्यू तो जब एंड होगी तब मज़ा आएगा, और बहुत बताया गया वर्ल्ड कप इंडिया ने उठाया था, क्या होता है देखते हैं, ठीक है। तो जी हाँ गाइस, गाइस मूवी ब्रिलियंट, मतलब ऐसी मूवी आज तक इंडियन सिनेमाज में बनी नहीं है। और जिस तरह से मतलब 1983 वर्ल्ड कप का हर पल को वापस रिलीव कराया गया है टीम के, कबीर खान की टीम का ऑसम, काफ़ी सही था। और मतलब जो अल्फाज होते हैं ना, मतलब वही नहीं है मेरे पास में कि क्या बोलूँ मैं इस मूवी के लिए। 83 की पूरी कास्ट को हेड्स ऑफ की उन्होंने, मतलब बॉलिंग एक्शन से लेके बैटिंग एक्शन तक, बोलने का स्टाइल सब कुछ सेम। मतलब रणवीर सिंह को अगर आप देखोगे जिस तरह से, मतलब कपिल देव के जिस बोलते हैं वैसा पोर्ट्रे किया है, और वो वैसे मतलब कपिल देव ऐसे लग रहा था कि रणवीर सिंह है, लग रहा कपिल देव ही एक्ट कर रहे हैं उनका खुद का रोल। तो इस तरह का मतलब पोर्ट्रे था, और हेयर स्टाइल मेकअप डिटेलिंग सब कुछ परफेक्ट, मतलब इस तरह से बेहतर किसी में, मतलब एक एक डिटेल होती ना मैच की, वो हम सबको पता है कि लॉर्ड्स 1983 में कैसा था और अभी फ़िलहाल कैसा है 2021 में, समझ रहे हो। तो वो पूरा का पूरा उन्होंने, भले हाँ ऑफकोर्स एडिटिंग और ग्रीन स्क्रीन में हुआ, पर उस ज़माने में जो लॉर्ड्स स्टेडियम था वैसा का वैसा उसको रखा है पूरे मैच के दौरान, सिवाय विनिंग मोमेंट के अलावा, जब जहाँ पर अपन को पास में स्टैंड दिख जाते हैं वो स्टैंड उस टाइम नहीं थे।
उसके अलावा सब कुछ परफेक्ट। अगर आप मैच देखते हो जिसमें कपिल देव ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था, उस स्टेडियम में अगर आप उसका गूगल में फ़ोटो देखोगे ना, तो वो फ़ोटो में आपको पीछे जो पेड़ है वो भी पिंक दिखेंगे। इस मूवी में भी सेम चीज़ की गई, मतलब देख लो पेड़ का कलर भी चेंज नहीं किया गया, उस तरह से इसको किया गया है, तो वैसा कुछ है। तो इस मूवी को मैं दूंगा 10/10, और ज़्यादा स्पॉयलर्स नहीं दूंगा आपको मैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जाओ सिनेमाज में जाके देखो, और ये मूवी मोबाइल पे और घर पे बैठ के मज़ा नहीं आएगा, मेरी बात मानो, मूवी और पैसा वर्थ है तो है। फिर फिलहाल ऑनलाइन वगैरह चेक किया मैंने, तो फिर सब जगह जोमेटो वगैरह सब बंद हो रहा था, तो मैंने लगा डिलीवर तो कोई कर नहीं रहा घर पे, अब करना क्या, खाना तो पड़ेगा। तो मैं तो भूखा सोचता हूँ, हमारा हिप्पोपोटामस कैसे सोएगा, ठीक है, तो बच्चा नहीं है, ठीक है, तो वैसा कुछ है। तो हम लोग फिलहाल हमने ऑर्डर किया यहाँ से मिस्टर शेजवान करके, जो पीछे आपको दिख रहा है ये, वहाँ से। और हमने क्या ऑर्डर किया है, हमने फ्राइड राइस, 3 नूडल्स ऑर्डर किए और 1 मोमोस प्लेट ऑर्डर किए इसके लिए। तो वैसा कुछ है, कितना खादा है पता नहीं मेरे को बच्चा। तो अभी फ़िलहाल पैक करवा के घर जाएंगे, फिर मूवी देखते देखते खाएंगे और एक और मूवी, और फिर मुझे मेरा इंटर्नशिप का काम करने बैठना है। आज पूरे दिन कुछ काम नहीं हुआ मुझसे, संडे था तो मैंने यार समझ रहो वैसा कुछ। तो चलते घर पे, और डू वॉच 83 गाइस, और घर पे आकर बता दो क्या है और कैसा टेस्ट है यहाँ का। गाइस बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, इसीलिए मैं आपको बता नहीं पाया क्या क्या ऑर्डर किया था, पर मैं आपको ओवरऑल बता सकता हूँ क्या ऑर्डर किया था हमने। तो गाइस हमने 3 नूडल्स ऑर्डर किए थे, सेम ही थे, और एक फ्राइड राइस मंचूरियन था और एक था मोमोस। तो इतनी भूख लगी थी ना कि आते ही ऐसे टूटे हम लोग कि बस सीधा खाना पेट में गया है। और फिलहाल गाइस मुझे मेरा एक इंटर्नशिप का काम है, उसको कंप्लीट करना, रिसर्च वर्क है, तो मैं वो कंप्लीट करने जा रहा हूँ। तो गाइज़ आज के ब्लॉग को सिर्फ इतना रखते हैं, ये ब्लॉग स्पेसिफिकली डेडिकेटेड था 83 मूवी के लिए, और इसमें इस ब्लॉग में 83 के इंसाइट्स नहीं है, 83 के इंसाइट्स मेरे इंस्टाग्राम पे रील में जल्द आ जाएगा, मतलब यानी कि इस सैटरडे से पहले मेरे इंस्टाग्राम के रील में आ जाएगा, तो वहाँ आप ज़रा उसको प्यार दिखाइएगा। और दूसरी जो रील्स आएगी उस पर भी आप प्यार दिखाते ही हो, आगे भी दिखा दो, मज़ा आएगा काफ़ी। तो आज के सिर्फ इतना रखते हैं, अगर आप लोगों ने यहाँ तक ये ब्लॉग देख लिया है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर कीजिए इस वीडियो को, नीचे कमेंट करके बताइए कैसी लगी, और दूसरा कोई टॉपिक बताइए कि मैं आगे और किस पे बनाऊँ, समझ आप। तो वैसा कुछ है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट ब्लॉग तक अलविदा।